तो ब्रह्म जगत नहीं, जगत ब्रह्म नहीं। तो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। जैसे रामचंद्र जी को एक बार लक्ष्मण ने प्रश्न किया चित्रकूट में कि क्या कारण है तुम जहां जाते हो सब ऋषि मुनि उठ के तुम्हें प्रणाम कर देते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, बड़े खुश होते हैं, तुम हो कौन? मेरी दृष्टि में तो आप मेरे बड़े भाई हो, दशरथ के पुत्र हो, कौशल्या के पुत्र हो, यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं आप भी और मैं भी, पर ये ऋषि आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? तो राम कहते हैं कि ये तो तुम्हें सीता ही उत्तर दे सकती है, सीता से पूछो। तो रामचंद्र तो चुपचाप बैठ गए, तो सीता बोलती हैं। देखिए अब इसमें संकेत क्या है, ब्रह्म बोल नहीं सकता, बोलती तो माया है। इसलिए राम स्वयं अपने मुख से क्या बोले, इसलिए राम चुप, क्योंकि प्रश्न अब उनके स्वरूप के ऊपर आ गया। तो लक्ष्मण के संशय को दूर करने के लिए सीता जी बोलती हैं और सीता कहती हैं, ये जो तू स्वरूप देख रहा है, ये जो रूप दिख रहा है राम का, ये तो माया रचित है, और यथार्थ में राम ब्रह्म हैं और तुम भी ब्रह्म हो, पर तुम जानते नहीं, श्री राम जानते हैं। और चूंकि अपने स्वरूप में इतनी सुंदरता से प्रतिष्ठित हैं और ये बात समस्त ऋषि जानते हैं। दूसरे, प्रायः ऋषि जीव कोटि से होते हैं, जीव हुए फिर साधना करी फिर ऋषि पदवी को उपलब्ध हुए, पर राम ये तो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर का अवतरण है। एक जीव होता है कि ईश्वर होता है, ये हम बहुत पहले समझा चुके हैं, क्लियर है ना, गीता में कहा सब स्पष्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। तो माया सोपाधिक चैतन्य ईश्वर राम है, और ऋषि जो हैं वह कुछ जीव कोटि से हैं और कुछ वो भी ईश्वर कोटि के हैं, पर राम की जो विलक्षणता है उस विलक्षणता को देख करके ऋषि बहुत इनसे प्रेम करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व एक शरीर में मिल जाए कोई तो ये अपने आप में बहुत अहोभाग्य का विषय होता है। तो राम तो ब्रह्म स्वरूप है और तुम भी हो, पर तुम जानते नहीं हो, ये जानते हैं। तो ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का जो बोध कराए उस ज्ञान को हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। देखिए जो पदार्थ का ज्ञान कराए तो पदार्थ ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान कराए रसायन विज्ञान, भूगोल खगोल का ज्ञान कराए तो उसे हम भूविज्ञान, खाना कैसे पकाते कोई उसकी बात करे तो पाक विज्ञान, गाड़ी कैसे बनती है, इंजन कैसे बनता है तो ये इंजीनियरिंग का ज्ञान। तो ज्ञान तो बड़े प्रकार के हैं, अब बीटेक है, एमटेक है, एमसीए है, बीसीए है, अकाउंट्स का ज्ञान है, कंप्यूटर्स का ज्ञान है, पर बस इसमें सिर्फ एक बात पॉइंट एक सिर्फ उठता है, आपको कंप्यूटर्स का ज्ञान है, अकाउंट्स का ज्ञान है, क्या इससे दुख की निवृत्ति हो जाएगी? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति माने आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों दुख की निवृत्ति क्या इस विज्ञान से, इस सो कॉल्ड साइंस से हो जाएगा? आप MBBS हैं, आप डॉक्टर हैं, आप MD हैं, आप सर्जन हैं, आप न्यूरोसर्जन हैं, एनेस्थीजियोलॉजिस्ट हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सब डिग्री है आपके पास, सारा ज्ञान है आपके पास, इससे परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी? आप बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, आप राजनेता हैं, आप देश के प्रमुख नेता हैं, आपके पास बड़ी सत्ता है, इससे क्या ब्रह्म का बोध हो जाएगा? तो पुरुष के पुरुष इच्छा विषय जोई सोई
शुरुआत यहाँ से हुई है. पुरुष के अंदर जो इच्छा है वह इच्छा एक ही है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति. तो भौतिक ज्ञान ये प्राप्त करके परमानंद प्राप्त, संसार का ज्ञान प्राप्त करके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी. इसलिए साइंटिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रोनॉमर हो, फिजिसिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, दुख में लिपटे पड़े, मोह में लिपटे पड़े, राग द्वेष में लिपटे पड़े, भय में लिपटे पड़े, नींद आती नहीं. एक समय मेरा इंग्लैंड में शिविर था, तो उस शिविर में 7 साइकोलॉजिस्ट थे, 7 कुल 160 लोग थे, और इन 160 में 7 साइकोलॉजिस्ट थे, 4 डॉक्टर्स थे. और जिसको जिसको जब जब मौका मिला तो वो अलग से बात करने का अवसर हुआ. तो जो साइकोलॉजिस्ट है उसे नींद नहीं आती है, जो साइकैट्रिस्ट है वो खुद दवाइयों पे है. माने डॉक्टर रोगी है, तो रोगी तो रोगी है ही, डॉक्टर भी रोगी है. मनोविज्ञान का चिकित्सक होने के बावजूद वो अपने मन से पीड़ित है. क्यों? यथार्थ ज्ञान नहीं है. बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, पेंट कैसे करेंगे, पुल कैसे बनाएंगे, जी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, फॉर लाइफ, फॉर सोसाइटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे डू नॉट सॉल्व व्हाट यू वांट. इसलिए आप एक प्रसिद्ध सक्षम प्रोफेशनल हो जाए, उसके बाद भी भीतर एक खालीपन बना रहता है. क्या है जो नहीं है? क्या है जिसकी कमी है? क्या है कि बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माँ बाप हैं, घर है, रुपया है, पैसा है, पर फिर भी एक भीतर घबराहट है, क्योंकि भ्रम में है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं. ब्रह्म का अज्ञान, भ्रम, मोह, भय, असुरक्षा को जन्म देता है. तो हाय कल क्या होगा, हाय कल क्या होगा, हाय कल क्या होगा, ये पीड़ा रहेगी रहेगी. कुछ कर लो काम, साधारणता अपने इस भय और इस चिंता का निवारण करने के लिए कोई ज्योतिषी के चले जाता है, कोई मंत्र तंत्र का सहारा लेता है, कोई दरगाहों में मत्थे टेकने लग जाता है, और कोई किसी महात्मा को मिलके कहता आशीर्वाद दो जीवन में सब ठीक रहे. भाई साहब, यथार्थ ज्ञान के बगैर कुछ ठीक नहीं रहने वाला. सब ठीक चल रहा है, अचानक मृत्यु हो जाती है. घर में चलता फिरता बोलता शरीर जड़ पड़ा है, क्या करेंगे? तो मृत्यु क्या है मालूम नहीं, जन्म क्या है मालूम नहीं, मैं क्या है मालूम नहीं. तो मैं का न जानना दुख, रोग, शोक, मोह को जन्म देता है. इस शोक, इस मोह, इस भय से निवृत्ति चाहिए तो यथार्थ ज्ञान चाहिए, और ये यथार्थ ज्ञान हमको ब्रह्म ज्ञान से मिलता है. छठा प्रश्न, ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का है? ब्रह्म ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से 2 प्रकार का है. अब ये 2 नए शब्द आए हैं, परोक्ष, अपरोक्ष. इन 2 के साथ मैं 2 और जोड़ती हूँ, प्रत्यक्ष और साक्षात अपरोक्ष. तो 4 हो गए, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष. समझिए, जिसे हम अपनी इंद्रियों से जान सकें वो है ज्ञान प्रत्यक्ष. जिसे इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है उस ज्ञान को हम कहते परोक्ष. जैसे
लाल पीला रंग है, शब्द है, खुशबू है, बदबू है, स्पर्श है, कोमल कठोर है, कोई शब्द है, कोई रंग है, ये सब जानना हो तो हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों से हम ये सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषय को हम जानते हैं। तो इंद्रियों से जिसको जाना गया वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। पर स्वर्ग, नरक, वैकुंठ, गोलोक, शिवलोक इंद्रियों से तो देखे नहीं जा सकते, पर शास्त्र कहते होते हैं तो हम मान लेते हैं। परोक्ष, जैसे पेरिस का आईफिल टावर, यूं तुमने प्रत्यक्ष जाके अपने आंखों से न देखा हो पर फोटो तो देखी है। और हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो सिनेमा जो बहुत देखते हैं तो सिनेमा तो पूरी दुनिया ही घुमा देते हैं। अलग अलग फिल्में अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग देश में अलग अलग शहर में वो शूट रखते हैं। तो आप जब 50-60 रुपए का टिकट लेके फिल्म देखने जाते हो तो पूरी दुनिया स्क्रीन पर दिख जाती। तो ऐसे चांद भी देख लिया, सैटर्न भी देख लिया, प्लानिटेरियम में चले गए तो पूरा ऊपर क्या है वो पूरा कॉस्मिक हेवनली बॉडीज आपको दिख जाती। पर वो सब को हम प्रत्यक्ष तो नहीं कह सकते। आंख से देखा है पर पांव नहीं रखा उसमें, छू के नहीं देखा उसमें। इसलिए सिनेमा में जो हम देख रहे हैं कहने को एक पक्ष से हम उसे प्रत्यक्ष कह सकते हैं, पर उसमें सिर्फ दो इंद्री काम कर रही है, एक आंख जिसने देखी, एक कान जिसने शब्द सुना कि ये है। पर सूंघा नहीं, चखा नहीं, हाँ छुआ नहीं, तीन चीजें नहीं होती। पर हम परोक्ष किसको कहते हैं? जिसमें पांचों इंद्रियों से कोई कार्य ना हो सके पर फिर भी हम कहते हैं वो है। तो स्वर्ग, तो नरक। तीसरा है अपरोक्ष। आपका मन को क्या आपने प्रत्यक्ष जाना? नहीं। अच्छा, क्या मन स्वर्ग और नरक की तरह दूर है, मैंने जिसको कभी इंद्रियों से देखा ही नहीं, तो क्या आपका मन परोक्ष है? प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, तो ये तीसरा ज्ञान हो गया अपरोक्ष। मैं हूं ये एहसास है। अब मैं आपका प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, पर मैं हूं आप जानते हैं कि नहीं? कोई कहे नहीं तुम नहीं हो, कोई मगर गोली मार देंगे तेरे को, बोलो मैं नहीं हूं। तुम कह सकते हो मैं नहीं हूं, पर अंदर से जानते हो कि मैं हूं। तो अपना आप न प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है, अपना आप क्या है? अपरोक्ष है। परंतु यहां हम अपना आप देह इंद्रिय मन बुद्धि संयुक्त वाला जानते हैं। बिना देह, बिना इंद्रिय, बिना अंतःकरण के मैं कौन हूं? जिस दिन ये जान लोगे इसको हम कहेंगे साक्षात अपरोक्ष, बियॉन्ड डाउट। अभी क्या है, तुम सुनते हो हम तो आत्मस्वरूप है, तो तुम क्या कहते हो, अच्छा ये तो मैं हूं ही, शरीर तो मैं हूं ही, अब और ये जो शरीर है ना इसके अंदर मैं एक आत्मा भी रहती है, तो अब हम दो हो गए, एक मैं और एक ये मेरी शरीर वाली मैं। क्या है ना, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते, तो मैं आत्मा इस शरीर वाली मैं के साथ अक्सर बातें करता है, तो शरीर वाली मैं डरती है, हाय मेरा क्या होगा, मैं मर ना जाऊं। और फिर अचानक से कहीं ज्ञान का कोई सूत्र याद आ जाए या पढ़ ले, और नहीं मैं तो आत्मा स्वरूप हूं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी डर रहा है, अभी कहेगा मैं नहीं डर रहा, अभी कहेगा मोह हो रहा है, अभी कहेगा नहीं ना मुझे तो मोह हो ही नहीं सकता है। मन एक मिनट में छाती चौड़ी करके पहलवान बन जाते हैं, दूसरे मिनट में थर थर कांपने लग जाते। शिवोहम शिवोहम सुना तो बोले हाँ मैं तो शिवोहम हूँ, अरे डर कैसा, काय का कोई डर ही नहीं, मैं तो अनंत स्वरूप हूँ। और फिर वापिस आ गया शरीर में, हाय मेरा क्या होगा। थोड़ा सा ऑफ द सब्जेक्ट थोड़ा जाती हूँ, पर
हाय मेरा क्या होगा, ये भावना जिसके अंदर है ना, वो दो पैसे का साधक है, वो दो पैसे का. मतलब लफाजी है, ड्रामाबाजी है. ये साधक कौन है? जिसे पूर्ण निश्चय है कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, तो मैं दुनिया में कहीं चला जाऊँ, मैं कभी अकेला हो ही नहीं सकता. मुझे कई बार बड़ी हैरत होती है, जो सो कॉल्ड तथाकथित शिष्य होते हैं, वो जब मुझे ये लिखते हैं ना कि हे मैं कैसे रहूँ. जैसे एक ने कहा, जी मैं तो विचार चंद्रोदय सुनना चाहता हूँ, गीता हमने करी हुई है, पर मेरे एक आध मित्र मेरे साथ आ जाए, मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ. हे भगवान. एक को मैंने कहा, वो यहीं आश्रम में रहते थे, मैंने कहा देखो बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अब जाओ घूमो तीर्थ करो. हैं, कहाँ जाएं? मैं भाड़ में जाऊँ, शिमला जाओ, मसूरी जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं जाओ, पर जाओ. हाय हम अकेले हैं, हम तो लड़की हैं, हम कहाँ जाएं? दो पैसे की श्रद्धा रह गई. हमारी एक परिचित मित्र थी, हैं मतलब शरीर से तो अभी भी हैं. तो ये बात तब की है जब 21 वर्ष की आयु में हमने घर से कहो भाग गए थे, कहो घर छोड़ दिया था, वट एवर. तो मैं घूम रही थी यहाँ वहाँ, तो फिर उनसे मुलाकात हुई. मैं से बहुत स्नेह करती थी, और वो उन दिनों किसी आश्रम में रहती थी. वहाँ थोड़ा व्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, गुरुजी अब रहे नहीं थे, जो वहाँ पर प्रबंधक थे वो थोड़ा मन नहीं मिलता था उनसे, तो वो थोड़ा कठिनाई में थी. तो वो मेरे से कहती हैं कि मैं ना अब सोच रही हूँ कि ये आश्रम छोड़ दूँ और बाहर कहीं अलग अपने लिए कुटिया बना लूँ. मैंने कहा तो अच्छी बात है, कर लीजिए. कहते मेरे घर वाले मुझे ये कहते हैं कि तू औरत है, अकेली रहेगी, कोई आदमी घुस आया, उसने तेरा बलात्कार कर दिया तो क्या करेगी? सारी जिंदगी तो पवित्र जी है शादी का बन के, अब ऐसा हो गया तो. मैंने कहा फिर आपने क्या उत्तर दिया इस बात का? कहती मैंने उनको कहा कि जो स्त्रियां शादीशुदा होती हैं क्या उनका बलात्कार नहीं हो जाता है? क्या उनके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हो जाती? ऐसी दुखद घटना क्या एक विवाहित महिला के साथ नहीं हो सकती? तुम पढ़ते हो घर में आके पीट मार के पति ससुर सबको मारे और बलात्कार करके और निकल गए, तो अगर ऐसी दुर्घटना हो तो कितने ही पुरुष घर में हुए तो वो क्या कर लेंगे? द्रौपदी के 5 पति थे, उन्होंने क्या कर लिया? तो ऐसा हो ना जाए ये सोच करके मैं अपने आप को यहां अब और नहीं रोकना चाहती. मैं पर तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? कहती ऐसे ही मन में था कि मैं ये तुमको बताऊं कि ऐसी अब परिस्थिति हो गई. मैंने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूं जो तुम कह रहे हो, एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लीज गो अहेड एंड डू.